वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। क्या आप जानते हैं कि वसीम कामा पहलवान, हाजी यासीन मोहम्मद पहलवान और उनके साथी पहलवान, उनकी कब्र कहाँ है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी कब्रें कहाँ है। इनकी कब्रें लाहौर में नज़दीक हज़रत पीर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल पास है। इन चारों पांचों और उनके जो साथी थे जैसे कि एजाज बेगम, उनकी कब्र भी आप देख सकते हैं इनके बीच में ही है। अब इनके बारे में हम आपको मुख्तसर सा बता दें। सलीम कामा, एजाज बेगम, हज़रत यासीन पहलवान, ये वो नामवर पहलवान थे जो उस दहाई में इनको हराना बहुत मुश्किल था। इनके लंबे कद, चौड़े जिस्म और बेहतरीन ग़ज़ाएँ और उस वक़्त की ताकत का जो जलवा उन्होंने पेश किया, सब लोग हैरान हो गए। इनको हराना बहुत मुश्किल था। इनके पास ऐसी तरतीबात थी, ऐसी प्लानिंग होती थी और ऐसी जहानत होती थी कि इनको हराना बहुत मुश्किल था। और ये लोगों की मदद भी किया करते थे, इसलिए इनकी कब्रें मुबारक भी हज़रत पीर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल नज़दीक दफनाई गई। नाज़रीन, हज़रत सलीम कामा पहलवान और हज़रत यासीन पहलवान, इनकी और भी बहुत सी दास्तानें हैं, इंशाल्लाह ताला हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये हमारी मुख्तसर सी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। कोई बंदा अपने चैनल पर पहली बार आया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यहाँ आपको इंटरेस्टिंग एंड जेन्युइन कंटेंट मिलेगा।